जी तो क्या हाल है जी सब दोस्तों भाइयों का। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज आया हूँ जी मैं कॉलोनी में कुछ स्केचिंग करने के लिए। ये तकरीबन 10 से 15 दिन का मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिसमें जितने भी सेल्फ पट्टे होते हैं वो मैं पकड़ के सेपरेट कर लेता हूँ। उसके लिए मैंने कुछ दो तीन चीज़ें रखी हुई हैं सेपरेट करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तो ये है जी बर्ड कैचर। ये तकरीबन हर फैंसियर के पास होता ही है परिंदे पकड़ने के लिए, आसानी से परिंदे पकड़े जाते हैं। और एक ये मैंने केज रखा हुआ है उसके लिए सेपरेशन के लिए, और एक ये फटकी होती है। मतलब इन दोनों में से मैं एक आध चीज़ को डिसाइड कर लेता हूँ। एक में जो प्रॉपर सेल्फ होते हैं वो मैं रख लेता हूँ, और दूसरे में जो नियर टू सेल्फ होते हैं उसमें वो रख लेता हूँ। नियर टू सेल्फ पट्टे इसलिए मैं पकड़ के सेपरेट कर लेता हूँ उस टाइम पकड़ते वक्त, ताकि वो बार बार फिर आगे आते रहते हैं। एक तो वो थकते रहते हैं, तो मौसम भी अभी गर्मी का हो गया तो उनके मरने का खर्चा होता है, हार्ट अटैक इसको बहुत जल्दी हो जाता है। तो दूसरा ये है कि जो सेल्फ पट्टे होते हैं वो पकड़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये काफ़ी सारे आपको शायद नज़र भी आ रहे होंगे इसमें जो सेल्फ पट्टे हैं वो। बाकी मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ पकड़ के, तो जो पट्टे वगैरह सेपरेट हुए, जो सेल्फ हुए और जो नियर टू सेल्फ हुए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें तब तक मैं कैचिंग कर लेता हूँ। अच्छा तो ये कुछ कैचिंग की है जी भजन में। ये तकरीबन 14-15 पीस ये निकले हैं जो प्रॉपर सेल्फ हैं। ये आजकल मैं इनको इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ये दे रहा हूँ, क्या नाम है, तरबूज वगैरह इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे, गर्मी काफ़ी हो गई है। और ये कुछ पट्टे हैं जो नहीं होते सेल्फ हैं, ये तकरीबन 30 के लगभग हैं ये। तो बाकी इनमें मैंने तो कोई मोटी मोटी नज़र मारी है, नज़र नहीं आया। कोई अगर बच भी गया तो वो नेक्स्ट वाली जो कैचिंग होगी 10 दिन बाद उसमें प्रॉपर सेल्फ होके आ जाएगा। तो बाकी चलें जी इनको मजीद केज में डालते हैं। जो सेल्फ वाले केज हैं मेरे उनमें इनको मैं शिफ्ट करता हूँ। अच्छा ये पीसेस निकले हैं जो प्रॉपर सेल्फ हुए हुए, ये तकरीबन 15 से 20 पीस हैं जिनको सेपरेट किया। और एक और चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी सेल्फ पीस आपने सेपरेट करना है तो उनको कोई फीडर वगैरह नहीं लगाना, पानी के लिए कोई ड्रिंकर वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि इनको इतनी समझ नहीं होती। खुले बर्तनों में इस तरह आपने पानी दे देना है इसको, और कोशिश करनी है 3 से 4 जो है ना पार्ट आपने रख देना दाने के और पानी के, ताकि वो आज़ादी के साथ ना प्रॉपर वो उसको खा या पी ले। क्योंकि ये ज़्यादा होते हैं, इसमें जो थोड़े कमज़ोर पीस होते हैं या थोड़े से कम उम्र के होते हैं तो वो वैसे ही थोड़े से डरते रहते हैं, और उनको बड़े बर्ड वैसे भी मारते हैं या पीने नहीं देते, तो उस वजह से वो एक दो भी टाइम पे अगर वो भूखा या प्यासा रहता है तो फिर वो डाउन होते होते मोर्टेलिटी की तरफ चला जाता है, मर जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये बाकी के बर्ड हैं जो तकरीबन नियर टू सेल्फ हैं, अब इनको रिलीज़ कर देते हैं इधर ही। दिनों में कंप्लीट सेल्फ हो जाएंगे, फिर इनको भी हम सेपरेट कर लेंगे। तो एक और चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अगर तो आपने दिन को पकड़े हैं तो फिर तो ठीक है, अगर रात को या शाम को पकड़े हैं तो कोशिश करनी है कि रात को फिर इनकी लाइट वगैरह जलती रहे और दाना पानी वगैरह वाफर मकदार में पड़ा रहे, क्योंकि ये काफ़ी सारे थके होते हैं, डरे होते हैं, हाँफ रहे होते हैं, तो पानी वगैरह इन्होंने पीना होता है, डिहाइड्रेटेड हुए होते हैं। तो अगर लाइट वगैरह नहीं जलाएंगे तो इनके एक्सपायरी के खदशात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।